जब अच्छी चीजें भरी रहती हैं तो फिर गंदी चीजों की जगह नहीं होती। अब क्या है, आपके अंदर पूरी जगह खाली पड़ी है, तो आपने सब गंदी चीजें भर रखी हैं, खल चप कपट छल काम क्रोध लोभ ये सब भरा पड़ा। 10 साल पहले आपकी सास ने कुछ कह दिया था, वो भी आपने भर रखा है। सास की बातें याद हैं, आज तक भूली नहीं, सब भरा रखा है आप लोगों ने। पूरा डस्टबिन आपने यही बना रखा, जो भी कचरा होता सब उठा के अंदर डाल लेते हैं आप लोग। पड़ोसन ने गाली दी, वो भी कचरा अंदर है, सास की गालियां भी अंदर है, पति ने कुछ कह दिया था वो भी अंदर रखा है, और कथाएं अंदर है नहीं, इसलिए लोग परेशान है। आपके अंदर व्यथा होगी तब तक परेशान होंगे, और व्यथा समाप्त हो गई कथा श्रवण करके, कथा से भर गया, जरूरत ही नहीं है, व्यथा आएगी नहीं। पूतना का मन बहुत गंदा और तन बहुत अच्छा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भा। निर्मल मन, भगवान कहते हैं मन निर्मल हो, मन कैसा हो, निर्मल मन शुद्ध है तो भगवान को पाया जा सकता है। मन गंदा है तो बताइए, गंदे दर्पण में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है? मैया ओ मेरी माँ, गंदे दर्पण में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है, हाँ या ना? यदि गंदे दर्पण में हमारा चित्र नजर नहीं आता तो गंदे मन में भला भगवान का दर्शन कैसे होगा? दर्पण शुद्ध होगा, साफ होगा तो मन आप दिखेंगे, आपका प्रतिबिंब दिखेगा। उसी प्रकार मन शुद्ध होगा तब ईश्वर का चित्र दिखता। मन गंदा, लोग कहते हैं भगवान नहीं दिखते, अरे भाई भगवान तो तैयार हैं दिखने को, अपना मन तो साफ करो। अब धूल जमी है दर्पण में और आप कहें महाराज जी दर्पण खराब है, दर्पण खराब नहीं है, जरा धूल हटा दो बस। आप भी अपने अज्ञान की धूल, काम क्रोध लोभ मोह की कपट की धूल जरा मन के दर्पण से हटाओ, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। जिनका मन निर्मल है वो भगवान का दर्शन पाएंगे, नहीं निर्मल। बढ़िया सुंदर, हरे राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो प्रभु का दर्शन पाएगा। राम नाम अति मीठा है कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला कर, आ जाते हैं राम कोई बुला कर दे। भगवान तो आ जाते हैं कोई बुलाए तो, भगवान तो आज भी खंबा से प्रकट होने को तैयार हैं, कोई प्रहलाद जैसा भक्त बुलाकर तो देखे। भगवान तो आज भी तैयार है मिलने को, कोई मीरा सी चाहत लेकर पुकारे तो सही, है ना मेरी माँ? अच्छा सुनो, पूतना मौसी का तन बहुत, मन इसलिए कहते हैं मन सुंदर कर लो, मन साफ, मन मन में कोई कपट नहीं। आप लोग किसी से ईर्ष्या रखते हैं क्या मेरी माँ? आप अपनी पड़ोसन से, जेठानी से, सास से, भौजाई ननंद कोई से तो रखते होंगे? हमारी माताएं बड़ी ईर्ष्या करती हैं, सब इसको तो जिठानी फूटी आंख नहीं सुहाती, देवरानी नहीं सुहाती, जिठानी देवरानी को देखना पसंद नहीं हो, देवरानी कुछ देवरानी जिठानी अच्छी हैं, ऐसी देवरानी जिठानियों को तो हम प्रणाम करते हैं, और कुछ जिठानियां ऐसी होती हैं अपनी देवरानी को नहीं देखती, सही है, हाँ या ना बोलो? हाँ ना की गोल गोल क्या मैया, आपकी जिठानी देवरानी से बातचीत होती है? नहीं महाराज, 20 साल हो गए हम तो कभी बोले ही नहीं। क्यों नहीं बोले? अरे जिठानी बड़ी कपटी है महाराज, बड़ा कपट किया, सास के सारे दोनों पांव के मोटे मोटे वो जो पहनती थी दोनों रख लिया, हम देवरानी ननंद हमें दिया ही नहीं, हमें तो मिलके बड़ा अत्याचार किया, सास मरी तो झुमके उतार लिए,
जेठानी ने उतार लिए, देवरानी रो रही है कुछ नहीं दिया, इसलिए आप कट्टी बात नहीं करेंगे, है ना। माताएं सही है, हमारी माताएं कहावत कहते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि एक छत के नीचे 10 पुरुष रह सकते हैं सारी जिंदगी, पर एक छत के नीचे 2-3 माताएं 2-3 स्त्रियां एक साथ कभी नहीं रह सकती, और यदि रह लें तो यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है साहब, बहुत बड़ी कृपा है, ये कड़वा सत्य है। दूर के ढोल बड़े सुहावने लगते हैं, बेटियां कहती हैं कि हमारी मम्मी हमारे खाते में आती तो हम तो उन्हें फूलों की तरह रखते। तो सुनो, ये तुम्हारी केवल बातें हैं, जब आ जाएगी ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारे खाते में, तब तुम दूध से जैसे मक्खी को निकाल के ऐसे कर देते ना, दूध में गिर जाए मक्खी, ऐसे निकाल के यूं, ऐसे ही जब तुम्हारी माँ तुम्हारे खाते में आ जाएगी, कहेगी माँ चलो बेटी अब आ गई तुम्हारे घर, अब सेवा करो, फिर जब देख लो फिर कौन सेवा। कल ही एक मैया यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, यहाँ माताएं रहती हैं, ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला है, बेटों ने नहीं, तो अब कहाँ गई वो बातें कि माँ हमारे खाते में आती तो हम करते सेवा, आई तो है निकाल तो दिया, महीने 15 दिन तो कोई भी सेवा कर लेता है, बेटियां महीने 15 दिन तो माँ 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 हलुआ खा लो ये खा लो, और थोड़े दिन रुक जाए माँ तो माँ जरा बर्तन रखे धुल लेना हम जरा आ रही हैं शॉपिंग करके, सत्य बोल रहा हूं। भगवान करे आप अच्छी बेटी हैं, अच्छा है आप सेवा करो अपनी माँ की, अच्छा है, लेकिन कहावत याद रखो, ये बातें कोई आज की नहीं है, दूर के ढोल सुहावने, बेटी दूर है तो ही अच्छी है, माँ दूर है तो ही अच्छी है, पास में रहोगी तुम्हारे भी तू तू मैं चालू हो जाएगी, माँ बेटी की भी, क्या नहीं हो रही है, कितनी माँ बेटियां आज महाभारत कर रही हैं, यहाँ कितनी मेरी वृद्ध माँ रहती हैं जिनकी बेटियों ने घर से निकाला या नहीं निकाला, तो 2-2 बेटियां 3-3 बेटियां हैं पर एक भी सेवा करने को तैयार नहीं, और बाद में पहले तो कहती हैं हम तो हमारे खाते में आए तो करेंगी, और आई तो मक्खी की तरह, कहने में सब अच्छा लगता है मेरी माँ, कहते रहो तुम कहते रहो हम सुनते रहें, लोरी अच्छी है नींद आ जाएगी, लोरी है ये सब। प्रैक्टिकली एक शब्द जाल होता है, बोलने का संसार अलग है, रियल संसार अलग होता है, हाँ या ना, खुद पे जब गुजरती है ना तो नहीं होता, तब पूरा ज्ञान खत्म हो जाता है, इसलिए बेटी कहती है कि माँ मेरे खाते में आती तो मैं अपनी माँ को कभी सताती नहीं, तो तुम्हारी सास भी तो तुम्हारी ही खाते में है, वो भी तो किसी की माँ है, अपनी अपनी सासों की सेवा कर लो, तुम्हारी माँ अपने आप सुखी हो जाएगी, जो खाते में आ गई है उसको ही खुश रख लो ना, जो नहीं आई उसके सपने क्या देख रही हो, जो आ गई है उसी को खुश रख लो, आ तो गई तुम्हारे खाते में सास उसी को खुश रखो, कल तुम भी सास बनोगी तुम भी किसी के खाते में जाओगी, यही तो परंपरा रही है। अपने अपने कर्तव्यों का लोग पालन सही ढंग से करें ना तो कोई दुखी नहीं हो सकता, बेटी अपना फर्ज निभाए, सास अपना निभाए, पति अपना निभाए, पत्नी अपना निभाए, भाई अपना, सब ईमानदारी से अपना कर्तव्य पूरा करें, धर्म निभाएं, तो किसी के घर में ना झगड़ा होगा ना कोई दुख होगा ना कोई कष्ट होगा, लोग अपना अपना धर्म छोड़ के, मैं अपनी सास की नहीं करूंगी माँ की करूंगी, अरे सारी बहुएं ये कहने लग जाएं कि सास की सेवा नहीं करूंगी, तो सोचो कि वो सासें भी तो माँ ही हैं किसी की, वो भी तो इंसान है कोई मुर्दा थोड़ी है, व्यवस्था ऐसे नहीं, तुम्हारी जिद से व्यवस्था नहीं चलेंगी, व्यवस्था हिसाब से व्यवस्था बनाओ, जो तुम्हारे खाते में आया है वो तुम्हारा है, माँ तुम्हारे खाते में आई, सास तुम्हारे खाते में आई, सेवा करो। मेरे खाते में तो 240 माएं आई हैं, मैं करता हूं कि नहीं, तब आपकी तो एक माँ है, एक की कर लो, हमारे खाते में 240 माँ आई हैं, हम करते हैं,
अब श्रद्धा से करते हैं, अच्छे से करते हैं। इतनी व्यस्तता होने पर भी हर माँ के हम चरण दबाते हैं और समय निकालकर माँ का दर्शन करते हैं। तो जब हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं तो आप क्यों नहीं? केवल कहना सीखा है क्या? ये दास अनिरुद्ध ने आपको हमेशा बातें तब ही कही हैं जब उन बातों को हमने अपने जीवन में चरितार्थ किया है। हमने पहले उतारा है उन बातों को, हमने केवल बातें कही नहीं, हमने उन बातों पर अमल किया है, चले हैं उस रास्ते पर, फिर तुम्हें बता रहे चलकर। ये केवल ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया, हवा में लाठियां भांज दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम 3.5 घंटे आपका समय बर्बाद नहीं करते, आपको यथार्थ ज्ञान देते हैं, जिससे आपका कल्याण होगा वही देते हैं। व्यर्थ की बकवास हम नहीं करते, ना समय अपना वेस्ट करते व्यर्थ की बातों में। मन कैसा हो मेरी माँ, मेरी जिठानी मेरे से नफरत करती है, करती रहे, उसके अंदर मेरे लिए नफरत है, रही आए, तुम ना नफरत रखो, तुम ना घृणा रखो। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे नफरत ईर्ष्या करती है, करती रहे, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसके अपने संस्कार हैं, तुम ना बिगाड़ो अपने संस्कार। एक बात बताएं, यदि किसी के घर में आग लगानी हो ना, तो पहले आपको आग अपने हाथ में ही पकड़नी पड़ेगी। बोलो, माचिस की तीली, समझो इस बात से, माचिस की तीली औरों को बाद में जलाएगी, पहले पहले खुद को जलाती है। माचिस की तीली औरों को बाद में जलाएगी, खुद को पहले जलाती है। ईर्ष्या नफरत द्वेष करने वाला दूसरों पे करके उसका क्या बिगड़ेगा ये तो राम जाने, पर तुमने ये आग लगाई है, ये आग उसे कब भस्म करेगी वो तो अलग विषय है, पर ये आग तुम्हें जरूर भस्म कर देगी, ये याद रखना। इसलिए किसी से ईर्ष्या ना हो, किसी से द्वेष ना हो, नफरत ना हो, घृणा ना हो। कई लोग दूसरों के पैसों को देखकर, दूसरों की तरक्कियों को देखकर जलते हैं, जलते मरते रहते हैं, उनका वस ना चले, नहीं वो मर जाए क्या मिलेगा? आप लोग तो किसी के धन को देखकर जलते नहीं है, आपके अंदर तो ईर्ष्या नहीं अपने पड़ोसी को देखकर? अरे आजकल तो भाई तरक्की कर जाए तो भाई की तरक्की से भाई जलने लगता है, ये घोर कलयुग है, हाँ या ना? आज तो भाई की तरक्की से कुछ भाई भी जलते हैं, आज तो भाई की तरक्की को भाई ही रोकता है, पांव पकड़ के खींच लेता है, ऐसा समाज में हो रहा है। ऐसे भाई भी मिल जाएंगे आपको, कुछ सभी नहीं है पर कुछ ऐसे भी हैं। इससे मुझे ये बताओ कि लाभ क्या है? आपका पांव पकड़ के खींचने में कोई लाभ नहीं है। एक बात याद रखना मेरी मां, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरी जिठानी और मेरी देवरानी और मेरी ननद, सारे लोग अपने अपने भाग्य का खाते हैं। मेरे भाई के भाग्य में धन है, उसे मिलके रहेगा, मेरे भाग्य में धन है, मुझे मिलके रहेगा, आपके भाग्य में धन है, मिलके रहेगा, और आपके भाग्य में गरीबी है तो धन मिल भी गया तो भी तुम्हारी गरीबी नहीं मिटेगी। कितने लोगों को धन मिल गया पर आया यूं चला गया, वो गरीब के गरीब है। लिखा किस्मत में, लाइनों पर गौर कीजिए, लिखा लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। विभीषण के भाग्य में लंका का राज्य था तो लात मार के निकाल दिया रावण ने, पर राज्य था उसके भाग्य में तो भले तुमने लात मार के निकाल दिया पर भाग्य का कहां जाएगा, मिलके रहा कि नहीं? तुम्हारे भाग्य का तुमसे कोई छीन नहीं सकता और जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई दिला नहीं सकता। कर्म करते रहो, भगवान पर विश्वास रखो। अब आप सवाल करें महाराज जी ये भाग्य क्या है, तो सुनो, हमने जो अच्छे या बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में, वही मेरा कर्म मेरा भाग्य की बैंक में इकट्ठा। भाग्य मतलब बैंक, भाग्य मतलब
भाग्य मतलब बोलो मेरी माँ। बैंक, मैंने अपने बैंक में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो वो मुझे मिलके रहेंगे या नहीं? वो मुझे मिलेंगे हाँ या ना? वो मेरे भाई को नहीं मिल सकते, बैंक मेरा भाई चला जा। सुनो, बैंक मैनेजर से अच्छी पहचान है, मैनेजर घर का ही तुम्हारा खुद का सगा क्यों ना हो, और बैंक का मैनेजर से आप कहो कि उनके खाते का पैसा हमें दे दो, मिल जाएगा। हमारी पहचान यदि बैंक के मैनेजर से हो तो क्या आपके खाते का पैसा हमें मिल जाएगा? अरे पहचान भले या पर मिलेगा, तुम्हारा भाग्य का पैसा तुम्हें मिलेगा। जो तुम्हारी कमाई थी, तुमने 1 लाख जमा की है, वो तुम्हारे खाते का तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे बेटे के खाते में जो है वो बेटे को मिलेगा। यदि अकाउंट जुड़ा है वो अलग, जमा अकाउंट जुड़े की बात ही नहीं कर रहे, अलग अलग अकाउंट की बात कर रहे। पत्नी के खाते का पत्नी को, पति के खाते का पति को, पुत्र के खाते का पुत्र को, जिठानी के, जिठानी का भाई के भाई को, पड़ोसी। उसी तरह तुमने पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म करके अच्छा बैंक बैलेंस बनाया था पुण्यों का, वो पुण्य तुम्हें इस जन्म में मिलके रहेंगे। आज तुम सुखी हो, आज तुम अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छा खाते हो, इसका अर्थ है तुमने किसी जन्म में अच्छा पुण्य किया है। उस पुण्य के बल पर तुम अच्छा खा पी रहे हो, लेकिन पिछले जन्म में किया तो आज खा रहे हो। आज क्या कर रहे हो? अच्छा आज करोगे तो आगे भी अच्छा होगा, नहीं तो फिर वो खत्म। 1 लाख रुपया बैंक में है और पूरा निकाल लिया एटीएम से, और निकाल के फिर एटीएम घुसा दिया तो अंदर से पर्ची निकल के आई, कृपया अपने दिमाग का इलाज करें। अपने दिमाग का अब पूरा निकाल लिया, अब काहे एटीएम घुसा रहा है, अब कहां से आएगा? तो जितना तुम्हारा है उतना तो एटीएम से निकलता है। 1 लाख है तो आप 1 लाख को चाहे 1 महीने में निकाल डालो, चाहे 1 साल में निकालो, वो तुम्हारा खाते का निकल। और पूरा निकलने के बाद फिर एटीएम से कुछ नहीं निकलेगा, उसके लिए फिर आपको फिर बैंक में डालना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। उसी तरह जो तुम्हारे पिछले कर्मों के फल थे अच्छे, तो आपने अच्छा भोग लिया। बुरे आप लोग जो बुरा, आप लोग महाराज हम बड़े परेशान हैं, बड़े दिक्कत में। ये तुम दिक्कत में नहीं हो, ये तुम्हारे पाप का दंड तुम्हें मिल रहा है, ये तुम भोग रहे हो, भोगना पड़ेगा। हंस के भोगो या रोके भोगो, कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। राम जी को भी 14 साल का दुख भोगना पड़ा था, माता सीता को भी वनवास जाकर भोगना पड़ा, बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़ा। पति भगवान थे, पति राजा थे, लेकिन राम जैसे राजा की पत्नी को भी जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी। कि नहीं, भाग्य में दुख था तो भोगना पड़ेगा, चाहे तुम राम की ही पत्नी क्यों ना हो। भोगना पड़ा कि नहीं? माता सीता को भी दुख उठाने पड़े, जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ी, लव कुश को जंगल में पाल पोस के बड़ा। फिर कौन भोगेगा तुम्हारे पापों को? जो किया है तुमने, जो तुमने दिल दुखाया है ना लोगों का, लूटा है, मारा है, जो तुमने पाप किया है, इस पाप का दंड कौन भोगेगा? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम्हारे किए कर्मों का दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं संभल कर रहो मेरी माँ, पाप ना करो। तुमने एक थप्पड़ भी किसी को मारा होगा, तुम्हें कभी ना कभी कोई ना कोई एक थप्पड़ मार के हिसाब जरूर लेगा। इसलिए को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए कर्मों का ही फल भोग रहा है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, पेड़ बोए बबूल का आम कहां से आएगा मेरी माँ? और ये बुढ़ापे में जो तुम रोती हो, महाराज दर्द है, क्या करें यहां दर्द। कई बूढ़ों के कोई दर्द नहीं होता, कई बूढ़ी माताएं हैं कोई दर्द नहीं, आराम से जीती हैं और बिना दर्द वर्द के आराम से भगवान के घर भी चली जाती हैं। मतलब इनने कोई पाप नहीं किया था, तुम्हारा पाप ही तुम्हें दर्द बन के डस रहा है, तुम्हारा पाप ही तुम्हें दर्द बन के डस रहा है। अब किसे दोष दोगी? कौन है दोषी? हैं तो बड़े बड़े डॉक्टर, क्यों नहीं कर पा रहे हैं तुम्हारी बीमारी का इलाज? तुम्हारे कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे घर में ही डॉक्टर क्यों ना हो। अरे तुम ही डॉक्टर हो तो क्या डॉक्टर भी बीमार नहीं पड़ता?
अरे डॉक्टरों को भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं उनका, वो भी डॉक्टर खुद डॉक्टर हैं लेकिन फिर परेशान है। तो कर्म दंड तो भोगने पड़ेंगे, तुम बड़े पद पर हो, बड़े नाम वाले हो, बड़े इज्जतदार हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम बच जाओगे, कोई नहीं बचेगा। माता सीता ना बची, पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेट के कर्म दंड भोगे। जब पितामह भीष्म माता सीता को कर्म दंड भोगने पड़े तो आप और हम किस खेत की मूली हैं, भोगना तो पड़ेगा साहब। इसलिए अभी सावधान हो जाओ, गलत ना करना, ईर्ष्या क्या करना, हमारी पड़ोसन कैसी है, पड़ोसी कैसा, हमें क्या करना ईर्ष्या करने से, उसके भाग्य का वो खा रही है। कई लोग जलते हैं, अरे उनके पास क्यों ऐसा पैसा आ रहा है, उनके भाग्य में है तो आ रहा है, तुम्हारे भाग्य में नहीं है नहीं आ रहा है। तुम भी मेहनत करो, कर्म करो, जलने से क्या होगा। हर आदमी अपने भाग्य का खाता पीता है, कोई किसी को दो रोटी नहीं खिलाता, भगवान ही सबको खिलाते पिलाते। इसलिए किसी की उत्कर्षता को देखकर, किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी की तरक्की को देखकर जलने से कोई फायदा है, हाँ या ना मेरी माँ। इसलिए तुम अपना दिल ना जलाया करो, तुम भगवान का चिंतन किया करो। मेरे भाग्य में नमक रोटी है तो मुझे नमक रोटी ही मिलेगी, मेरे पड़ोसी के भाग्य में हलवा पूड़ी है तो उसे हलवा पूड़ी मिलेगा, खाने दो उसे। तुम अच्छे कर्म करो, तुम्हारे भाग्य में भी हलवा पूड़ी आएगा। कर्म करो अच्छे, तुम्हारा भी समय अच्छा होगा। तुम जलो दूसरों को देखकर तो ये तो पाप कर रहे हो। इसलिए किसी को नहीं देखना, ना जेठानी को, ना देवरानी को, ना भौजाई को, ना सास को, ना बहू को, ना पड़ोसी को, ना जमाने को। देखना है अपने को कि हम कितने गहरे पानी में हैं। अपने आप को देखो, हम कहां हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बोलो मेरी माँ मैया। हो गई पंचायत, गुटरगू गुटरगू। बुरा जो देखन मैं चला, आप बोलिएगा, मैं आगे आगे नहीं पीछे पीछे बोलूंगा आपके। बोलो बुरा जो देखन बुरा ना मिलिया, जो दिल खोजा हमसे बुरा ना। तो बुरा कौन है, हम। और हम मानते रहे कि तुम बुरे हो, तुम बुरे, कोई बुरा नहीं भैया, सबसे बुरा ये अनिरुद्ध ही है। अपने को देखो हम कितने बुरे हैं। हम पड़ोसन को कह रहे हैं तुम बुरी हो, ये लड़का बुरा, ये बुरी, कोई बुरा नहीं है। बुरे तो अपने को ठीक करो, भगवान का चिंतन करो, अपने काम से काम रखो, अपना काम करो, अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहो, अपनी कमाई में खुश रहो। मेरा पड़ोसी 1,00,000 कमाता है और मैं 10,000 कमाता हूँ महीने का, कोई बात नहीं। पड़ोसी ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे तो 1,00,000 कमा रहा, हमने हमें ईश्वर ने, कोई बात नहीं, हम 10,000 कमा रहे हैं। पर अच्छा कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, तुम्हारा भी समय बदलेगा। ईश्वर पर विश्वास रखो, समय सबका बदलता है, समय समय आएगा, इंतजार करो। किसका इंतजार करें, समय का।